हाय गाइस, आई एम स्नेह रघुवंशी एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं कहीं जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ वो सीक्रेट है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो कैसी लग रही हूँ मैं और मेरे साथ कौन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। टिन टिन, हेलो बोलो सबको। पेट भी उसी से भरता है, मैं चाहे कुछ भी खा लूँ मुझे दाल रोटी तो चाहिए चाहिए। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मुझे पता नहीं, थोड़ा सा पता नहीं कैसा बनेगा, कोशिश तो है कि बहुत अच्छा बने और फिर देखती हूँ। अभी तो कार में ही सारी बातें हो जाएंगी, तो मैं आपको थोड़े बात पे मुझे एक बात और याद आ गई। लोग बोलते हैं अरे ये मत करो वो मत करो, यार इंडिया एक आज़ाद देश है, यहाँ सबको अपनी मर्जी से रहने का हक है, तब क्यों कुछ ना करें, जिसकी जो मर्जी है उसको वो करना चाहिए। बिल्कुल तो मैं कार से नीचे उतर आई हूँ और ये देख सकते हैं आप पीछे कैसी गंदगी पड़ी हुई है। मैं इन गलियों से निकल के एक जगह जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ गिफ्ट शॉप पे, वहाँ से मैं गिफ्ट लूँगी और उस गिफ्ट को लेके मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो आपको आगे पता चलेगा, आप देखते रहिए। और पीछे बैकग्राउंड में बहुत टी पू पू आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर करना। तो मैं जा रही हूँ ये वाली शॉप, नहीं उस पर चलते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से पैक किया है, अच्छा लग रहा है ना। अब गिफ्ट मैंने ले लिया है और अब जा रही हूँ। चलो तो मैं आगे से बैठ गई हूँ पीछे आके, और ये है मेरी नीस, हाय करो सबको। हम लोग जा रहे हैं टेकरी, जो कि गुना जिले की बहुत ही प्रसिद्ध टेकरी है और बहुत मान्यता है उसकी। तो अभी हम टेकरी जा रहे हैं और वहाँ जाके आपको बताएंगे कैसा क्या है, और फिर टेकरी के बाद मैंने जो गिफ्ट लिया था मैं उसका बता देती हूँ। गिफ्ट मैंने लिया था, मेरी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है, तो हम टेकरी के बाद वहाँ पर जाएंगे, तो मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया था और देखते हैं वहाँ पर कैसा क्या है।
अच्छी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फ्रेंड के बेटे के बर्थडे में जा रही हूँ, तो यही है वो जोरावर क्यूट सा, वो देख ही नहीं रहा। एक मिनट देखो क्या कर रहा है, इधर देखो, ये है शिवानी, ये रानी की कजन है और इन्होंने इसलिए मैचिंग करके साड़ी कलर पहने, देखो ब्लैक ब्लैक। किट्टू है हमारा, किट्टू चुरावर जागो। मैं आपको सूट का पूरा फुल कहीं और जाके दिखाऊंगी। हाँ, ये रानी, ये वो ही रानी है जिसका मैं नाम लेती हूँ, और ये शिवानी जिसका मैं नाम लेती हूँ। हाँ, हम लोग चुगलिया करते हैं, चुगलखोर फ्रेंड है। हम चुगलिया करते हैं, अगर आपको चुगली करवानी तो हमसे संपर्क करें। नंबर ले। चल किसी को कुछ मैसेज देना, बाकी फ्रेंड लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोल देना। ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, इसका नाम रानी है, जैसा कि मैं वीडियो में लेती हूँ। है वो मैं ही पकाती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कभी किसी की बुराई नहीं करते, हम आज की जनरेशन में रहते हैं, वो तो हमसे मतलब और किसी से नहीं। हाँ, हमारी बातें खत्म नहीं होती, तो किसी और की बातें हम क्या करें। और क्या, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, कहीं जाते हैं तो अच्छा तो लगता है ना। और देखिए मैंने बिंदी लगा ली, अब कितना आ रहा है ना ट्रेडिशनल लुक थोड़ा। हाँ, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही, वेरी ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, देखो ऐसा, सब लोग, सब सारे हस्बैंड सुन लो, अपनी वाइफ की ऐसी तारीफ करती रहा करो, वो आपके लिए इतना सब कुछ करती है, उसको भी तो लगता है ना कि हाँ जिसके लिए वो सजती है वो इसकी तारीफ करे, ठीक है ना? क्या मैंने सही कहा ना? यस, यू आर वेरी राइट। ये मैंने आपके लिए दिया था, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हाय गाइस, तो हम लोग आ गए हैं गोपी सागर डैम, और आगे जाते हैं, देखते हैं और आगे कैसा क्या है, फिर आपको दिखाते हैं, और बने रहिए हमारे साथ। ये पीछे आप लोग देख सकते हैं मेरे, देखिए कितना सुंदर है, वाव। कुछ भी सेलिब्रेशन के लिए आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है, और देखिए आप, बहुत टाइम हो गया है, शाम हो गई, मैं थक गई तो मेरी वॉइस थोड़ी डाउन है। लोग एक बार आ सकते हैं यहाँ पर, बोटिंग की सुविधा भी है तो बोटिंग भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी जगह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है, और शाम का टाइम है। वाह, फ्लावर, मुझे फ्लावर, पानी है, पहाड़ हैं, फ्लावर हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हो। माय गॉड, बहुत अच्छा व्यू है, आ सकते हैं आप लोग। और मेरे साथी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी आओ, क्योंकि फॉरेस्ट वाले हमें मिले थे जिन्होंने बोला है कि आप जल्दी करना थोड़ा, क्योंकि हम लोग लेट हो गए काफ़ी, तो जल्दी जल्दी से फटाफट आप लोगों को दिखाते हैं और चलते हैं। अब देखिए आप कितना सुंदर नज़ारा है,
बहुत ही सुंदर, वो बहुत रिलैक्सिंग प्लेस है, बहुत शांति है, बहुत अच्छी जगह है। अब कहीं और जा रहे हैं, हमारे साथियों ने बोला है कि चलिए वहाँ भी चलते हैं, तो वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कैसा है। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, पता नहीं ब्लॉग कैसे, सीख जाऊँगी धीरे धीरे, कुछ कमियाँ हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। बस आप मुझे अप्रिशिएट करते रहिए अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो। बहुत कम टाइम के लिए आए थे इसको घूमने के लिए, कम से कम आपको चाहिए 2-3 घंटे तो हूँ आपके पास, क्योंकि 1 घंटा तो बोटिंग करने में ही लग जाएगा, बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पे बोटिंग। ब्रिज क्रॉस करके हम वापस आ चुके हैं और अब जा रहे हैं घर वापस, और टेकरी भी घूम ली, गोपी सागर डैम भी घूम लिया, अब घर वापस जा रहे हैं। छोटा सा ब्लॉग है, आप लोगों को अच्छा लगे तो बताना। बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं, एक बार और 360 व्यू दिखा दें आप लोगों को। बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं, अच्छा लगा, बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया। बाय बाय।